नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले नमस्कार, देख रहा हूँ इंडिया, बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल, मैं हूँ आपके साथ अक्षय पटेल जेपी और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के विक्रमगंज मयूर होटल में उपस्थित हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मयूर होटल है और यहाँ पर मयूरी मिलता है, यानी मयूरी कोई दूसरा चीज़ नहीं बल्कि ये ऑटो रिक्शा है जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मयूरी। और विशेष जानकारी मैं आपको लेकर के आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ऑनर मयूर होटल के यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है। वो कार्यक्रम किस लिए करवा रहे हैं इसकी भी जानकारियाँ लेने का प्रयास मैं करूँगा। सबसे पहले नमस्कार, जय श्री राम, जय राधे राधे। आइए, मैं आर भारत को शुभकामना देता हूँ। और ये जो कार्यक्रम हमने कराया पत्रकारों के लिए, पत्रकार चौथे स्तंभ होते हैं, इस कार्यक्रम को मयूरी ई रिक्शा, जॉय ई बाइक और पर्व फाइनेंस स्पॉन्सर्ड यही है। अगर ये नहीं होते तो मैं ये नहीं करा पाता, इसलिए इनकी आवश्यकता है और ये तीनों के माध्यम से ये चीज़ हुआ। कल पत्रकार सम्मेलन कराने का मेरा मतलब और अर्थ यही है कि पत्रकार हमारे देश के चौथे स्तंभ होते हैं। संविधान में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की बात होती है, लेकिन पत्रकारिता की बात भी होनी चाहिए। पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी मुहिम को जोड़कर कहीं भी पहुंचा देता है। तो आइए, पत्रकारों का जो होली मिलन समारोह सह सम्मान समारोह जो हुआ, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पूरे देश और विश्व को सबल बनाना, आर्थिक रूप से कमजोर होते हुए इस देश को बचाने के लिए, प्रदूषण मुक्त कराने के लिए हमने ये कार्य सोचा, जिसमें शाहबाद के प्रबुद्ध जाने माने विख्यात जितने भी हमारे पत्रकार महोदय सारे लोग थे, सारे लोगों के बीच में हमने आग्रह पूर्वक नम्रता से अपनी विचार को रखा। मेरा विचार यह है कि आप हमारी इस मुहिम से जुड़े। हम विश्व के पूरे नेताओं से, अपने देश के नेताओं से ये मांग करना चाहते हैं कि आप भैया रैली क्यों करते हैं, रैली से हमें क्या फायदा है? हमें तो लगता है रैली से नुकसान होता है, जाने जाती हैं, कितनी माँ बहनों का एम्बुलेंस फंस जाता है और हम रैली के नाम पर भीड़ जुटा के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस बात को रैली करने वालों से मैं जानना चाहता हूं। और मेरे देश की जनता अगर रैली को पसंद नहीं करती तो मेरी मुहिम से जुड़ जाए और मेरी मुहिम से जुड़कर आप रैली के खिलाफ अपनी बात को रखें। इस बात को उठाने के लिए हमने शाहबाद के प्रबुद्ध पत्रकार महोदयों को बुलाया, उनसे मुझे अनुमति मिली है, वो लोग भी इस मुहिम से जुड़ना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कोरोना काल में प्रदूषण की बात हुई, हम कोरोना काल में एक जगह भीड़ एकत्रित होने पर फाइन काटते थे, उस पर जुर्माना लगाते थे, तो आज क्यों रैली कर रहे हैं? क्योंकि आज भी प्रदूषण का लेवल, और हिंदुस्तान गंदगी में तीसरे स्थान पर आ गया, तो दोस्तों रैली से प्रदूषण होता है, रैली में गाड़ी से कार्बन निकलता है, रैली में भीड़ होती है, रैली में दुआ की जगह कोई मर जाता है बद्दुआ मिलता है। तो आइए हम इस होली के मिलन समारोह में सह पत्रकार सम्मान जो हुआ उसमें हमने इसी बात, इसी मुद्दे को रखा है। तो आइए इस मुहिम में आप जुड़ जाएं और मेरी बात अगर अच्छी लगे, इस वीडियो को वायरल करें, जन जन तक पहुंचाए, ये जन की बात है, किसी के मन की बात नहीं है, मैंने जन की बात की है। मुझे कोई नेता ना बनाए लेकिन मेरी बातों को पहुंचाए और मेरे देश को आर्थिक रूप से सबल बनाए। मैं आर भारत को शुभकामना देता हूं और सारे भाइयों से पुनः निवेदन करता हूं कि आप पैसा बचाने के लिए आप जो है यहां जॉय इलेक्ट्रिक ई बाइक, मयूरी रिक्शा, साथ में पर्व फाइनेंस, जो घर में बैठे बैठे ही लोन कर देता है, दोस्तों पूरे देश में लोन होता है, किसी भी मैनेजर के पास, किसी बैंक में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, उसका नाम है पर्व फाइनेंस। तो आइए, पर्व फाइनेंस, मयूरी रिक्शा, जॉय इलेक्ट्रिक ई बाइक, ये जो आपको तीनों प्रदूषण मुक्त हमने कहा है, आर्थिक विकास प्रदूषण मुक्त की बात, तो आइए ये भी होनी चाहिए, साथ में वो भी होना चाहिए, रैली पे रोक होनी चाहिए, लेकिन
प्रशासन से नहीं, हम जनता से अपील करते हैं, भाइयों से अपील करते हैं, और जो भी मेरे नेता बने हैं वो भी मेरे भाई हैं, वो भी एक दिन इसी सड़क पे गुजरते हैं, उनका परिवार भी चलता है, इसी प्रदूषण में फंसता है। तो आइए, हम चाहेंगे आप प्रदूषण मुक्त और आर्थिक विकास की इस मुहिम में जुड़े। आर भारत सारे चैनलों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसे आप चलाएं, और कुछ लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कल की बात, तो कल की बात भी वही, आज की बात भी वही, कल की बात पुरानी आज नई कहानी, क्या कहानी, आर्थिक विकास प्रदूषण की बात। जय श्री राम, जय राधे राधे। दोस्तों, अभी आपने सुना कि देश को किस तरह से बचाना है, क्योंकि देश जो है प्रदूषण से भी बर्बाद हो रहा है, देश जो है कहीं भीड़ लग जाता है उसकी वजह से कई जाने जाती है, अभी इन्होंने बताया, क्योंकि जब भीड़ लगती है वहाँ पर अगर एम्बुलेंस फंस जाता है तो एम्बुलेंस में एक जिंदगी सिर्फ रहती है, लेकिन वो जिंदगी के इतना बड़ा भूमिका होता है कि उस जिंदगी से कई एक जिंदगियाँ जुड़ी रहती है। मेरा यह प्रयास कैसा लगा एक बार कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नए नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ हाजिर रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम चाहते हैं रवा समय पर अगला बना देते थे, तो हम ये जो करेंगे मानी नीचे कराए। चमकी का
तो देखिए कोई कोई नाम बोल के खड़ा होता है, भंडारी जी का देखिए ना जो है, और सारी पहचान एक दूसरे से एक दूसरे को सम्मानित किया जाए। और ये मेरी चाह बात इस बार प्रोग्राम चल रहा है ना, वो तो आइए आप भी इस संविधान और आइए माइक्रोग्राम में नहीं है राजपूत कभी भी पंडित को ये आदेश दे आप ये काम कर लीजिए। मैं ज्वाइन इलेक्ट्रिक बाइक का एडिशन रोहतास ज्वाइन इलेक्ट्रिक बाइक का डीलरशिप सर्विस जब से लिया है तब से हमारा इनसे संपर्क जो है बहुत ही गहरा हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि सर जिस तरह से ज्वाइन इलेक्ट्रिक बाइक का डीलरशिप यहाँ पे ओपन किए हैं दिन प्रतिदिन हम लोगों के सहयोग से और ग्रामीण जनता और आप सरकार के सहयोग से कितने के भाई बड़े दूर से दुकान क्या भाई।